लेक्चर सीरीज ऑन द पेपर सॉल्यूशन, यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट. द पेपर कोड इज PS01CCHE22. दिस पेपर इज द रेगुलर पेपर ऑफ द ईयर 2019 एंड माई सेल्फ डॉक्टर राजीव गुप्ता. वी हैव टेकन मैनी क्वेश्चंस इन प्रीवियस लेक्चर्स. Now the question is, why does 6-dinitrobiphenyl-2,2-dicarboxylic acid exhibit optical activity? And the second part of this question is, why does it lose optical activity upon heating? तो ये एक IUPAC नेम दिया है एक मॉलिक्यूल का, जिसमें ये एक बाईफिनाइल मॉलिक्यूल है. हमको पता है कि बाईफिनाइल मॉलिक्यूल्स में दो बेंजीन रिंग या दो फिनाइल रिंग डायरेक्टली एक सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती हैं. इसमें 6 और 6- कार्बन नंबर पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और 2 और 2- पोजीशंस पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए हैं. ओके, तो दिस इज अ बाईफिनाइल कंपाउंड. अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो बाईफिनाइल कंपाउंड्स होते हैं, अगर वो अभी ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये तो सब्सटीट्यूटेड है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दो नाइट्रो ग्रुप हैं. अगर बाईफिनाइल कंपाउंड्स में कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है, ओनली दो फिनाइल रिंग्स डायरेक्टली अटैच हैं, तो उन दोनों की दोनों फिनाइल रिंग्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है. रूम टेम्परेचर पर फ्री रोटेशन उसके अंदर पॉसिबल है, तो उसके कारण वो जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है या एकिरल होती है. लेकिन जब उसमें इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में उसमें जो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो फ्री रोटेशन था, वो रोटेशन यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है. ओके, दैट रोटेशन इज ब्लॉक्ड. बिकॉज अगर वो रोटेशन होगा, तो रोटेशन होने पर क्या होगा कि वो रिंग्स प्लेनर होती हैं, फिर नॉन प्लेनर, फिर एक प्लेन में आएंगी, फिर प्लेन चेंज हो जाएगा. तो प्लेनर और नॉन प्लेनर चलता रहता है, लेकिन जब वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन होने से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा. जैसे ही वो रिंग्स प्लेनर कंडीशन में आएंगी, दोनों की दोनों रिंग्स एक ही प्लेन में आएंगी, तो दोनों की दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर अटैच हैं, वो आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएंगे. तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम पाइवोटल बॉन्ड भी कहते हैं, वो रोटेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाता है. ओके, दैट इज अ हिंडर्ड रोटेशन. ओके, तो ये एक्चुअल में एग्जांपल है किरेल एक्सिस का. दिस ओके एक्सियल किरेलिटी, दिस इज द एक्सियल किरेलिटी या किरेल एक्सिस, वेयर दिस एक्सिस बिकम्स किरेल ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन about this pivotal bond. ओके, तो यहाँ पर अभी रोटेशन स्टॉप हो गया, तो एक रिंग जो है वो इन दोनों रिंग्स का जो प्लेन है वो अलग अलग प्लेन होगा. तो इस केस में इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री लॉस्ट हो जाएगा. ओके, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ऑफ बाईफिनाइल. ओके, तो एक्सियल किरेल मॉलिक्यूल है, जैसे लाइक एलिन का डेरिवेटिव एलिन्स, जैसे हमने एलिन्स हम देखते हैं क्यूमिलिन्स एलिन्स में, उसी टाइप का ये कंपाउंड है बाईफिनाइल, जिसमें हिंडर्ड रोटेशन होता है. ओके, तो इसके कारण यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में किरेलिटी आ जाती है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ओके, तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किरेल एक्सिस एंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ रोटेशन इन पाइवोटल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. So this is the structure of 6-6-dinitrobiphenyl-2,2-dicarboxylic acid. ओके, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक बार आप पोजिशंस देख लीजिए कि पोजिशंस हम कैसे इसको बता रहे हैं कि पोजिशंस 6 नंबर पोजिशन कौन सी होगी, 6- कौन सी होगी, 2 नंबर पोजिशन कौन सी है और 2- कौन सी है. तो देखिए दोनों के दोनों बाईफिनाइल्स में दोनों के दोनों फिनाइल रिंग्स आपस में डायरेक्टली अटैच्ड हैं. तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऑब्वियसली इट विल गेट मोर प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ओवर नाइट्रो ग्रुप.
तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो कैसा कर तो इसमें पोजीशन नंबर वन हम यहाँ दे सकते हैं, दिस इज पोजीशन नंबर टू, नाउ थ्री फोर फाइव और सिक्स। तो इसमें टू नंबर और सिक्स नंबर, टू नंबर पे क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये टू नंबर कंप्लीट हो गया, और सिक्स नंबर पे नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद में नंबरिंग कैसे मूव होगा, सिक्स के बाद में यहाँ क्या देंगे वन डैश, ओके नाउ इधर से आएगा टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश और सिक्स डैश। तो टू डैश ये सेकंड नंबर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा दैट इज टू डैश, और सेकंड नंबर नाइट्रो ग्रुप दैट इज सिक्स डैश। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो बाइफिनाइल्स के ऊपर आप देखोगे तो पाइवोटल बॉन्ड से जुड़े हुए जो दोनों कार्बन एटम्स हैं उसके जस्ट नियर बाई जो कार्बन एटम्स हैं उनके ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। और अब यहाँ वहाँ पे आप गौर से आप देखोगे तो अगर ये दोनों की दोनों रिंग्स प्लेनर हों, एक ही प्लेन में हों, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नाइट्रो ग्रुप दोनों के दोनों एक दूसरे के वेरी क्लोज, बहुत ही पास में आ जाएंगे, ओके। तो उसके कारण इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा, ठीक है ना, जिससे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये दोनों की दोनों रिंग्स नॉन प्लेनर रहेंगे। तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्स्ट रिंग है, ये जो पहला वाला रिंग, ये वाला जो पोर्शन है पहला रिंग का, वो प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द स्क्रीन में है, और ये वेज डैश पर है। देखो ये वेज पोर्शन है और ये दूसरा क्या है, डैज डैश पोर्शन। तो इस तरह से दोनों की दोनों रिंग्स जो हैं वो नॉन प्लेनर हैं, जो कि जो थोड़ा और अगर थ्री डायमेंशन में हम देखें तो यहाँ इजीली हम क्लियरली इसको इमेजिन कर सकते हैं कि रिंग का ये वाला पोर्शन प्लेन में है और ये वेज डैश में है। दोनों की दोनों रिंग जो हैं वो नॉन प्लेनर हैं, एक दूसरे के प्लेन से अलग प्लेन है, ओके। नाउ दिस एक्सिस इज अ किरल एक्सिस इन दिस फाइव बाइफिनाइल डेरिवेटिव, ओके। तो अब इससे पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि व्हाई इट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों दिखाता है, क्योंकि इसमें किरल एक्सिस प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल किरल मॉलिक्यूल है, ओके। नाउ दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि व्हाई इट लॉस ऑप्टिकल एक्टिविटी अपॉन हीटिंग, तो हीट करने पर, इसको गर्म करने पर इस कंपाउंड को ये ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हिंडर्ड रोटेशन था वो एक्चुअल में अब हिंडर्ड रोटेशन नहीं रहेगा, वो अलाउड रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हीट पर, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने पर मॉलिक्यूल को, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाइवेटल बॉन्ड है उसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये रीज़न बता सकते हैं ड्यू टू स्टार्टिंग दैट फ्री रोटेशन अबाउट दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक रियल मॉलिक्यूल, जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी का लॉस हो गया, ओके। दूसरा रीज़न हम क्या बता सकते हैं कि जब इस मॉलिक्यूल को हम हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के कंपेरिजन में आप देखोगे रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो रोटेशन के कारण जो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, सीधे सीधे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। और हमको पता है कि जब भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और वहाँ पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होकर एनहाइड्राइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो सकता है, ओके। एनहाइड्राइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो सकता है एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके, तो ऐसा करने पर उसका एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। तो उस केस में ऑटोमेटिकली ये जो पूरा का पूरा रिंग सिस्टम है, दोनों रिंग सिस्टम, दोनों फिनाइल रिंग सिस्टम एक दूसरे के प्लेन में आ जाएंगे, उनका जो रोटेशन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा इस केस में। एनहाइड्राइड जब ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा उस केस में यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, तो ये मॉलिक्यूल एक किरल हो जाएगा, किरल एक्सिस लॉस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा,
यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव जो हम इंस्ट्रूमेंट में जो एनालिसिस करते हैं उसमें एंगल ऑफ रोटेशन में प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को रोटेट नहीं करेगा। ओके तो ये हम रीज़न बता सकते हैं कि ड्यू टू प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी और एट हाई टेम्परेचर दिस हिंडर्ड रोटेशन इन पाइवटल बॉन्ड इज लॉस्ट एंड इट बाय गेटिंग दिस सफिशियंट एनर्जी इट रोटेट्स फास्टली। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट द फॉलोइंग एज सजेस्टेड। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शो दैट एनिशियोटॉपिक एंड डाइस्टियोटॉपिक लिगेंड्स कैन को एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल में एक सिंगल स्ट्रक्चर में एनिशियोटॉपिक लिगेंड्स और डाइस्टियोटॉपिक लिगेंड्स दोनों टाइप के लिगेंड्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेकर बताना है। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है दिस सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल। तो सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल में एनिशियोटॉपिक लिगेंड और डाइस्टियोटॉपिक लिगेंड दोनों के दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ओके अब इसमें जो लिगेंड्स हमको कंसीडर करने हैं वो जनरली हम हाइड्रोजन एटम्स ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स को ही रिप्लेस करके वहाँ से सब्स्टिट्यूट करके हम किसी दूसरे ग्रुप को ऐड करते हैं और फिर हम एनिशियोमर या डाइस्टियोमर फॉर्मेशन करते हैं। तो हम जनरली वो लिगेंड्स जो हैं वो जनरली हाइड्रोजन एटम्स ही यहाँ पर चूज़ किए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें लिया जा रहा है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड के अंदर प्रोकिराइल सेंटर प्रेजेंट हैं, क्योंकि अगर उसमें हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो प्रोकिराइल सेंटर किराइल सेंटर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सीधे सीधा हम एग्जांपल लेते हैं, टोटल चार हाइड्रोजन एटम्स चूज किए हैं यहाँ पर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बेस डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिट्रिक एसिड वेयर थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन इज फाइव मेंबर्ड कार्बन चेन, कार्बन 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 का, दिस इज पेंटेन। ओके टोटल फाइव कार्बन प्रिंसिपल चेन एंड दीज टू आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। नाउ एच ए एच बी, नाउ सी एच ए एंड एच बी दीज आर दी वी हैव टू से दैट टोटल फोर लिगेंड्स एच ए एच बी वी कैन नेम लाइक दिस एच ए एच बी नाउ एच सी एंड एच डी सी फोर डिफरेंट लिगेंड्स एच ए एच बी एच सी एंड एच डी। नाउ वी हैव टू सी द एनिशियोटॉपिक रिलेशन एंड डाइस्टियोटॉपिक रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द एनिशियोटॉपिक रिलेशन। सो चूज द टू लिगेंड्स, विच लिगेंड, एच बी एंड एच डी। ओके एच बी एंड एच डी, हाउ वी चेक दैट वेदर अवर टू लिगेंड्स हैव एनिशियोटॉपिक रिलेशन और डाइस्टियोटॉपिक रिलेशन और अदर होमोटॉपिक रिलेशन, वी फर्स्ट अप्लाई सी टू एक्सोसमेट्री। फर्स्ट वी चेक सी टू एक्सोसमेट्री, देन आफ्टर दैट वी चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री। If C2 symmetry not applied and plane of symmetry applied, then we say that both ligands are anisotropic. But when C2 not applied and plane of symmetry also not applied, then we say the both ligands are diastereotopic. Okay? तो सबसे पहले हम यहाँ पर C2 symmetry apply करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप कोई भी आप रोटेशन करके देखो, किसी भी टाइप का रोटेशन आप करके देखो, तो एच बी और एच डी इन दोनों के बीच में आप कभी भी C2 अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप किसी भी तरह से इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखो 180 डिग्री, तो हम C2 अप्लाई नहीं कर सकते। हमको वो C2 अप्लाई करना होता है जहाँ पर हमको मॉलिक्यूल बिल्कुल
इक्विवेलेंट दिखाई दे और दोनों के दोनों आइडेंटिकल लिगेंड्स, दोनों के दोनों लिगेंड्स जो हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर दें। लेकिन हम इन दोनों को किसी भी कंडीशन में यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते सी टू अप्लाई करके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सी टू अप्लाई नहीं हो रही। तो ये मॉलिक्यूल, ये दोनों के दोनों लिगेंड्स यहाँ पर होमोटॉपिक नहीं होंगे। अब हमको क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, अगर आप ये वाला प्लेन अप्लाई करते हो, दिस प्लेन, फर्स्ट आई क्लीन दिस स्ट्रक्चर, वी आर चेकिंग रिलेशन बिटवीन एच बी एंड एच डी, ओके। तो अगर आप ये वाला प्लेन अप्लाई करते हो तो देखिए, जस्ट हाफ पोर्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जस्ट मिरर इमेज ऑफ दिस हाफ पोर्शन, मीन्स द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अप्लाइड, मीन्स सिग्मा इज प्रेजेंट। सो ऑब्वियसली दीज बोथ लिगेंड्स आर एन एंशियोटॉपिक। तो इस मॉलिक्यूल में हमने एक चीज तो प्रूव कर दी कि इसके अंदर एनिशियोटॉपिक लिगेंड्स तो प्रेजेंट हैं। इसी तरह से एच ए और एच सी, ओके, एच ए और एच सी भी एनिशियोटॉपिक होंगे। नाउ अब हमें चेक करना है डायस्टेरियोटॉपिक। तो डायस्टेरियोटॉपिक रिलेशन देखने के लिए हम दो लिगेंड्स चूज करते हैं, एच ए एंड एच बी, ओके, एच ए और एच बी, ये दोनों लिगेंड का कंपेरिजन देख रहे हैं। इन दोनों लिगेंड्स में पहले आपको क्या देखना है, सी टू अप्लाई नहीं होगा, ओके। अगर आप देखिए, यहाँ से अगर आप सी टू अप्लाई करते हो, रोटेट करते हो, तो एच ए एच बी की जगह आ जाएगा, एच बी एच ए की जगह चला जाएगा, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ चला जाएगा, इस पूरे ग्रुप की जगह, और ये पूरा ग्रुप कहाँ चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक की जगह, मतलब मॉलिक्यूल आपको इक्विवेलेंट दिखाई नहीं देगा, मतलब सी टू अप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद में हमको क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो गया तो एनिशियोटॉपिक, और अप्लाई नहीं हुआ तो डायस्टेरियोटॉपिक। तो एक्चुअल में अगर हमको अभी यही मिलना चाहिए कि डायस्टेरियोटॉपिक होना चाहिए, क्योंकि हमको दोनों के दोनों चेक करने हैं, एनिशियोटॉपिक और डायस्टेरियोटॉपिक लिगेंड्स। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। देखिए, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री वो वाला अप्लाई करना है जिसमें एच ए और एच बी, ये दोनों के दोनों लिगेंड्स जिसमें हम रिलेशन देख रहे हैं, टॉपिक रिलेशन, वो मिरर इमेज बने। तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री सपोज हम अप्लाई करते हैं, ओके। तो देखिए, यहाँ से जब हम अप्लाई करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बीच में से कट होगा, इसी तरह से ये कार्बोक्सिलिक भी कट होगा, और ये एच ए एच बी एक दूसरे के, जो एच सी और एच डी हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे। लेकिन ये प्लेन कहाँ से पास आउट कर रहे हैं, हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में से, मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक जो बेज पर है और हाइड्रोक्सिल जो कि डैश पर है, वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनेंगे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री में, प्लेन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट मॉलिक्यूल में अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाफ पोर्शन में अप्लाई हो और हाफ में नहीं हो, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में अप्लाई होनी चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल का आधा पार्ट उसके आधे पार्ट से मिरर इमेज होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई नहीं हुआ, मीन्स एच और एच बी क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया इसमें, कि किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल में एनेंशियोटॉपिक लिगेंड और डायस्टीरियोटॉपिक लिगेंड को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइन कॉन्फिग्रेशनल सिंबल्स टू दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन में दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, एक तो ये दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के कॉन्फिग्रेशनल सिंबल या किरैलिटी डिस्क्रिप्टर, मतलब हमको इनका आरएस कॉन्फिग्रेशन बताना है, ठीक है। तो आरएस कॉन्फिग्रेशन हम कैसे बताएंगे, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।